एवरीवन और वेलकम टू द व्लॉग अगेन। और आज का दिन है कुछ खाने का दिन, बिकॉज इस गाड़ी को देखते हैं आप समझ गए होंगे कि मैं किन के साथ हूँ। मैं हूँ अगेन अजय और अभिषेक के साथ। अजय से हाय, लास्ट टाइम वाला सीन याद है अभिषेक? भाई जिन्होंने नहीं देखा था ना वो सीन बड़ा मस्त था, तो लिंक पे क्लिक करके जरूर वो सीन देखना भाई, कसम से एक नंबर का सीन था, मजा आ गया था। पूरा दिन हमारा उसी ने मजा बनाया था ना जी। हाँ भाई वो सीन तो अनोखा सीन था यार, उसका चालान कटने से बस बची गए थे हम। अभिषेक की अलग टाइप। सो टुडे वी आर ट्रैवलिंग टू गुड़गांव, और गुड़गांव हम जा रहे हैं। हमें पता चला कि यार जो चीज़ हम ट्राई करने जा रहे हैं उसके नाम है गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मैंने कहा यार ऐसा है, हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। आई वांट टू से थैंक्स टू मिस्टर अभिषेक कि अभिषेक और अजय हम दोनों के बीच, हम तीनों के बीच कन्फ्यूजन चल रही थी कि यार हम क्या करें, जाए ना जाए, कहाँ जाए, पास में जाए, दूर जाए। बट फाइनली अजय मेड हिज सेक्रीफाइस, उसने सेक्रीफाइस करा और अभिषेक ने जज्बा दिया कि लेट्स गो। अब तो निकल गई गाड़ी, मतलब निकल गई भाई, निकल गया, वापस थोड़ी होगी। सही बात है भाई, निकल गई तो निकल गई, वापस थोड़ी होगी। एंड फाइनली वी मेड अ डिसीजन कि लेट्स गो। सो वी रीच टू द प्लेस और आ गए हैं गुड़गांव आरडी मॉल। अभिषेक गाड़ी को ले गया, खैचम खैच जल्दी पहुंचा दिया 15 मिनट। वी आर हेयर इन आरडी मॉल। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। आरडी मॉल में एक है रेस्टोरेंट संकल्प रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर हम खाने के लिए आए हैं साउथ इंडियन फूड, डोसा, बिगेस्ट डोसा, और 4 फीट का वो डोसा है। अभिषेक कह रहा है मैं अकेला खा सकता हूँ, अभिषेक कह रहा है मैं अकेला खा सकता हूँ, मेरे को पूरे देने पड़ेंगे। मैं इसको चैलेंज दे रहा था कि अकेला डोसा खाएगा तो मैं तुझे 200 रुपये इनाम दूंगा, लेकिन ये अब डिनर नहीं कर रहा है कि नहीं खा पाऊंगा। खा लूंगा, नहीं खा लूंगा। 4 फीट का डोसा खाना कोई इजी टास्क नहीं है। खा लेगा अभिषेक? चार फिट का डोसा कोई खा सकता है? अगर मैं पूरा भूखा होता तो मैं खा लेता। नो चांस, हो ही नहीं सकता, ये खा ही नहीं सकता। दिल में लग गई, ये खा सकता है लेकिन इतना नहीं खा पाएगा। देखा अगर सिंगल अकेले खाता ना तो मेरे हिसाब से मुश्किल था इसके लिए। दिस इज आवर संकल्प रेस्टोरेंट, यस वी आर हेयर। सो लोकेशन मैं अगेन बताना चाहता हूँ बिकॉज जिनको कन्फ्यूजन हो तो उनके लिए, ये है आरडी मॉल और मैं हूँ 4th फ्लोर पे। एक्चुअल में 4th फ्लोर है, उधर आईनॉक्स है और 4th फ्लोर ही है। 4th फ्लोर के ऊपर हम आए हैं आरडी मॉल गुड़गांव। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। कौन सा सेक्टर पड़ता है ये? सेक्टर 52। तो सेक्टर है 52 एंड लेट्स गेट इन टू इट। सो एज आई सेड कि संकल्प रेस्टोरेंट जो है उन्होंने, उनके पास गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम है। अभी जो वो खिलाने के लिए देते हैं दैट इज़ अ 4 फीट का डोसा, बट गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। मैं जस्ट वहाँ के एक स्टाफ से बात कराना चाहता हूँ, विशाल इज़ द पर्सन, एंड वो हमें बताएंगे कि क्या है गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड, कब नाम हुआ और किस चीज़ के मामले में। 9.14 मीटर डोसा अंधेरी में बनाया मुंबई में 12 फरवरी 2006 को 2006 को 12 फरवरी 2006 को 9.14 मीटर्स। सो दैट इज सच अ लॉन्ग डोसा, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता। बट इन्होंने यहाँ पर गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड का बोर्ड भी लगा हुआ है, जो कि मिलता है सर्टिफिकेट, दैट इज अ सर्टिफिकेट बेसिकली जो कि इनको मिला है। हाँ अभी मे बी टेक ओवर कर लिया है शायद किसी और ने, बट जहाँ तक मुझे पता है कि शुरू इन्होंने करा था, दैट इज़ द गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि इन्होंने यहाँ पर अच्छी तरह से मेंशन करा हुआ है। तो बिगेस्ट थिंग आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट कि हाउ इट एक्चुअली टेस्ट बी लाइक टेस्ट कैसा है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है जिसके लिए हम जाने वाले हैं। बट इसका सिर्फ खाना ही ज़रूरी नहीं है, ये देखना ज़रूरी है कि
इसके बनने का प्रोसेस कैसा होता है? सो हमारा डोसा आ चुका है एंड ऑनेस्टली लाइक इसको लगाने में बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी हमें, ये पूरे बड़े टेबल पर है। अच्छा हाथ करके दिखाइए, मतलब कितना लंबा पड़ रहा है तेरे को भाई? ये काफ़ी साइज में तो काफ़ी बड़ा है यार, ये इसको मेजर करेंगे तो 4 फुट। अभिषेक तू खा लेगा भाई? अभी भी कहता है अकेले खा लेगा है। अकेला ही इज नॉट अ ह्यूमन, ही इज अ बीस्ट, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन एट ऑल भाई। या तो तू कहीं और से आया है या तो तू इंसान नहीं है। मैं चैलेंज कर सकता हूं, आलू भाई सारे खत्म करें, दो कटोरी आलू और पूरा डोसा। नहीं भाई, आलू भी खत्म करना है पूरे, तब जाके मतलब बनेगा ना कुछ। खा सकता हूं पर मेरा मन नहीं है अभी। अरे अभिषेक तू बहुत दूर विजुअलाइज करा रहे बाबा। हाउ इट टेस्ट भाई? टेस्ट बढ़िया। अजय भी बढ़िया, टेस्ट बढ़िया, सांभर का भी बढ़िया। दिस कोकोनट वाइट चटनी सर, ये कोकोनट वाली है वाइट चटनी, उसमें सब करा, इसमें सब कोकोनट वाइट चटनी होगी। दिस गार्लिक चटनी, एक नंबर की है, मैंने टेस्ट करा अभी, बहुत मस्त है यार ये। लहसुन वाली चटनी, लहसुन वाली ना, आई लव इट यार। We have different type of chutneys. This coconut green chutney. 4 types of different chutneys. Yes. This malka puri chutney. Gunpowder masala. Malka puri. Gunpowder masala desi ghee. Oh. अब आने वाला है असली मज़ा, क्योंकि मैं सारी चटनियों को टेस्ट करने वाला हूँ। मैंने लहसुन वाली पहले टेस्ट कर ली, दैट टेस्ट एक्चुअली नाइस, बड़म वो ज़्यादा अच्छे लगे मुझे कोकोनट वाले से भी ज़्यादा, बिकॉज मेरे को थोड़ा तीखा मसालेदार लहसुन वगैरह, आई लाइक इट, आई लाइक दिस, वो अपना टेस्ट है। लेट मी ट्राई दिस हरी वाली चटनी। इसे पुदीना है ना, पुदीना है ना इसके अंदर? यस, पुदीना एक बारी में पहचान लिया मैंने, पुदीना इज पुदीना यार, आई लव इट। दे आर अभिषेक क्या सागर रत्न वाले से भी अच्छा है? दुर्गा से खाते हैं हम पश्चिम बिहार में, उससे अच्छा है। अरे भाई दुर्गा वाले से तो ऑब्वियसली अच्छा है भाई, दुर्गा वाले से तो बहुत अच्छा है, उससे भी अच्छा है ना, अच्छा लगता है कल ये उससे टेस्ट किया। अरे टेस्ट इज रियली नाइस यार, मेरी बस एक ही गुजारिश है कि गुड़गांव के अलावा प्लीज़ 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 प्रीतमपुरा वाली ब्रांच खोल दीजिए, ताकि हम वहाँ जाके खा सकें, उसका अनुभव कर सकें, बिकॉज ये गुड़गांव आना इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। तो गुड़गांव के अंदर अगेन ये आरडी मॉल के अंदर पड़ता है, सेक्टर 52 आरडी मॉल। वैसे तो आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, तो आप इजिली आ सकते हो, क्योंकि इस डोसे का स्वाद चखने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो। ओब्वियसली बताओ, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ मतलब इसका स्वाद चखने के लिए। दिस इज़ रियली नाइस यार, दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। मैंने खाया भाई, मैंने खाया। तो भाई ऑनेस्टली रिव्यू दिया जाए तो फाइनली वी कंप्लीटेड दिस, इसको हमने किसी तरह खा लिया, और 4 जनों के बस की है खाना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 3 जनों ने हमने खाया, बिकॉज ही इज़ नॉट अ ह्यूमन, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन। ठीक है, इन्हें भी काफ़ी अच्छे सही साथ दिया। हाँ साथ इसने भी निभाया, ठीक है, बस मैं इकलौता रह गया जो थोड़ा हैवी ड्राइवर नहीं निकला, ये दोनों हैवी ड्राइवर है भाई, हैवी ड्राइवरों ने आज फूड वेस्टेज बचा ली थोड़ी।
फूड बेस्ट है ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइज, बट डोसे का टेस्ट बहुत अच्छा था और मेरे को चटनियाँ बहुत अच्छी लगी, चटनियों में मेरे को ज़्यादा मज़ा आया, सांभर बहुत टेस्टी था, ठीक है। डोसा इतना बड़ा था, मतलब एक टाइम तक आपको टेस्ट लगेगा टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है, लेकिन आपको एक ख़त्म कर रहे हैं ना, देर इज नो टेस्ट भाई, दिमाग में बस ये होता है ख़त्म करना है, बस एक ही चीज़ चल रही होती है। अरे बहुत हैवी था यार, लिटरली बहुत हैवी था, चार जनों के लिए ठीक है, लिटरली यार कड़क इसको So I really want to thanks to the Sankalp restaurant. They made such a fabulous dosa. मेरे को literally dosa में बहुत मज़ा आया और last में जो dessert थी ना यार उसने honestly दिन बना दिया. So I want to thanks Manvendra and Vishal. Thank you so much for giving us such a great time. And thank you so much sir for serving us in such a great way. And I really want to say guys, please 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 visit us this place. This is amazing place. I really love it. Honestly guys, बहुत मतलब बढ़िया रहा मेरा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा रहा इवन एंड में जो डेजर्ट थी ना, सोने पे सुहा गया ना, आते हो तो वो टेस्ट कर सकते हो, बाकी कर सकते हो, अबे करो भाई एक नंबर की चीज़ थी। उसका नाम नहीं पता, दैट इज डेजर्ट ओनली, हमें यस इधर आता दैट इज इट डेजर्ट। ओ यार एक्सप्लेनेशन बता देना उसे, ब्राउनी के ऊपर आइसक्रीम प्लस हॉट चॉकलेट। बड़ भाई मजा आ गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक यू टू अजय। क्योंकि अजय अभिषेक का मुंह जल गया था इसलिए उसने बाहर से और आइसक्रीम ले ली। बट ऑनेस्टली गाइज, जो अजय और अभिषेक की वजह से आज का जो व्लॉग है ये इन दोनों को जाता, बिकॉज खाने पीने की चीज़ें हैं ना जनरली ये दोनों ही मेरे को गाइड करता और मेरे को लेके चलते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आई रियली इन्जॉयड इट। डोसा अंदर पड़ा है बहुत सारा, 4 feet का, तीनों का पेट के अंदर पड़ा हुआ है टुकड़ों टुकड़ों में। वी रियली इन्जॉयड इट एंड आई वुड से गाइज यू कैन कम टू दिस प्लेस, दिस इज़ आर डी मॉल और 4th floor पर है हमारा संकल्प रेस्टोरेंट। सो आई वुड से यू वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हो? आपको डोसा जरूर ट्राई करना चाहिए एंड उसके बाद एक आइसक्रीम की डेजर्ट आती है, अगर वो खाते हो तो आपका दिन बन जाएगा, काफ़ी टेस्टी था वो सब। सही बात है, डेजर्ट बढ़िया थी। तू कहाँ गया बे? तू कर क्या रहा है? वो हल्का होने गया। तू कर क्या रहा है? तू कर क्या रहा है चुन्नीलाल? तू कर क्या रहा है चुन्नीलाल? तू कुछ कहना चाहेगा? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं ये कुछ नहीं जाएगा, ये भंडा खा पी के साला कुछ नहीं, 4 feet का अंदर यार, नहीं यार आई शुडंट से समथिंग लाइक दिस, ऐसी गंदी बातें नहीं फिर हम नहीं कर सकते। बख्शूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, सही बात है भाई, तेरे लिए। अच्छा अच्छा इस मामले ये ऊपर कैरेमल है ना, कैरेमल है, यस आई नो। बट गाइस आई वुड से दिस इज काइंड ऑफ अ अमेजिंग व्लॉग, थैंक्स टू अजय एंड अभिषेक फॉर द सेम, एंड एज ऑलवेज गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, मैं हर बार भूल जाता हूँ सब्सक्राइब के लिए बोलना, पर लोग सब्सक्राइब करते भी नहीं है, सो भाई सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल को यार, सही बात है, सही बात है, सब्सक्राइबर करने भाई करना चाहिए यार, करना चाहिए। देखो होली का हमने क्या रखा था, 1000 ना जी अभिषेक, हाँ यार तुम लोग पूरे नहीं करा रहे, 500 पे टिकट छोड़ दिया है, 500 भी नहीं हुए भाई, पूरे 500 भी नहीं हुए, दैट हर्ट्स यार, छोड़ दे तेरे, हाँ थैंक यू सो मच। तो गाइज एज ऑलवेज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड एज ऑलवेज स्टे विद अस, बी विद अस।